हिंदू का सामान मुसलमान नहीं खरीदेगा, मुसलमान का सामान हिंदू नहीं खरीदेगा। आप किसी को हिंदू होने का क्या पैमाना रखेंगे, क्या पैमाना रखेंगे हिंदू होने का, कोई पैमाना है आपके पास? तो मानव ये मानवीय सभ्यता जा किस ओर रहा है? जैसे आपने कहा कि राजनीतिक का मतलब ही होता है लोगों को बांटना, तो इसमें यह देखा जाता है कि जब भी राजनीति का असर युवाओं पे पड़ता है, जैसे यंग एज के होते हैं, जो युवा होते हैं जैसे 15, 16, 18 के उम्र का कह लीजिए, वो जब भी जब वोटिंग होता है, इलेक्शन चुनाव आते हैं, तो उस टाइम यह देखा जाता है कि पक्ष विपक्ष खासकर हिंदू मुस्लिम में बंटने लगते हैं। हिंदू पक्ष के लोग मुस्लिम पे कटाक्ष करते हैं और मुस्लिम पक्ष के लोग हिंदू पे कटाक्ष करते हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पूर्व में ही हमने कहा कि राजनीति का काम है बांटना। वो आप जाति के आधार पे समाज को बांटिए, लिंग भेद के आधार पे समाज को बांटिए, रंग भेद के आधार पे समाज के को बांटिए, नस्ल भेद के आधार पे बांटिए, या आर्यन द्रविड़ निग्रो इन सब दृष्टि से समाज को बांटिए, वो समाज राजनीति का काम ही है समाज को बांटना। आज आप तमाम जो नवोदित तथा कथित आदिवासी चिंतक जो बने हैं, आज आप उनके विचार जब सुनेंगे तो आप कहेंगे कि देश किस दिशा की ओर जा रहा है। आज नवोदित जो बहुजन उन्नयन के तथा कथित नेता बने हैं, उनका आप जब विचार सुनेंगे तो आप कहेंगे समाज किस दिशा की ओर जा रहा है। तो राजनीति का काम है समाज को बांटना, तो समाज को नेता बांटते हैं। और जो आपने कहा ना कि 15, 16, 18, तो यह जो उम्र होता है, यह उम्र ऐसा है कि यह कोरा कागज वाला उम्र है। जैसे उसके मन के पटल पे जो चीज़ें अंकित कर दी जाएंगी वह अंकित हो जाती हैं। और इस उम्र में आदमी किसी से बहुत त्वरित गति से प्रभावित और अप्रभावित दोनों जल्दी होता है। तो ये तो तकनीक का दुरुपयोग कहिए या जो कहिए कि यह हो रहा है और यह दुखद है। दूसरी बात जो आपने कहा कि समाज में इस तरह का कि हिंदू का सामान मुसलमान नहीं खरीदेगा, मुसलमान का सामान हिंदू नहीं खरीदेगा, तो बहरहाल ये सियासतदानों का प्रश्न है। लेकिन मैं एक साधु हूँ और रामानंद संप्रदाय का साधु हूँ, जिनकी आचार्य जी की परिकल्पना ही है, जहाँ आचार्य जी की यह उद्घोषणा ही है कि सर्वे प्रपत्ति अधिकारिणो मताः, तो हमारे यहाँ तो कबीर जुल्हा हैं, उनको भी अपनाया गया। जहाँ समाज वर्तमान का जो हिंदू धर्म है वह रामानंद संप्रदाय ही है, जहाँ समाज के तत्कालीन आचार्य महिलाओं को धार्मिक दीक्षा देने से मना करते, जिसको आप का समाज शूद्र कहता है उसको दीक्षा देने से मना करते, लेकिन आचार्य रामानंद जी के द्वादश भागवतों में कबीर से लेकर के सेन नाई धन्ना जाट रैदास रानी पद्मावती आदि हुई, तो हम उस विराट विशाल परंपरा से आते हैं। इसलिए हमारा हृदय विशाल है और हम इस तरीके से नहीं सोचते जिस तरह से अन्य लोग सोचते हैं। तो आप किस किस चीज़ पर क्या करिएगा? आप उसके बाज़ार से, उसके दुकान से सामान नहीं खरीदिएगा, और आपके यहाँ का 30 लाख से अधिक लोग तमाम गल्फ़ कंट्री में, या अधिक ही लोग रहते होंगे, मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं मालूम है, गल्फ़ कंट्रीज में रहते हैं, तो उस समय आपका चिंतन कहाँ चला जाएगा? ये माना कि आप वहाँ मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके पैसा लाते हैं, लेकिन क्या इस तरह के सोच से समाज आगे बढ़ेगा? क्या क्या हम उसी मध्यकालीन और उसी पुरातन युग की तरफ नहीं जा रहे क्या, कि वहीं युद्ध, वहीं मारकाट, वहीं सामाजिक उद्भेदन, वहीं एक दूसरे के प्रति कट्टरता? तो मानव ये मानवीय सभ्यता जा किस ओर रहा है कि हम इस दौर पे, इस समाज के मतलब इस किनारे पर आ खड़ा हुआ है मेरा समाज कि जहाँ इतनी वैमनस्यता है,
हमारे यहाँ की तो परंपरा है कि बिस्मिल्लाह खां काशी के गंगा में नहाता है और विश्वनाथ जी में सहनाई बजा रहा है कि का करूँ सजनी आए न बालम। मोहम्मद रफ़ी गीत गाता है कि हे रोम रोम में बसने वाले राम। खान अब्दुल रहीम खान खाना कृष्ण की स्तुति करते हैं। मल्लिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं कि मानुष कि यदि मैं मरूं और कुछ भी बनूं तो मैं ब्रज का रज बन जाऊं। तो हम उस विशाल परंपरा के लोग हैं, हमारी जो हृदय है, हमारा जो हृदय है इतना संकुचित और छोटा नहीं हो सकता। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि ऐसा करना चाहिए, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। आप इससे सहमत या मेरे मानने वाले भी इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं। लेकिन आप किसी को हिंदू होने का क्या पैमाना रखेंगे, क्या पैमाना रखेंगे हिंदू होने का? कोई पैमाना है आपके पास? दुर्गा जी को जो मान रहा है वो हिंदू है, आज जो काली जी को मान रहा है उसको अहिंदू करार दे देंगे, या जो अघड़ बाबा को मान रहा है उसको अहिंदू करार दे देंगे? इतना विशाल धर्म है आपका, आपके यहाँ कभी ये बात है क्या कि नहीं मेरे प्रोफेट ही मेरे प्रोफेट हैं या मेरे जीसस ही मेरे जीसस हैं? आपके यहाँ एक विशाल परंपरा है कि यहाँ लोटा बाबा से लेकर के और फलाहारी बाबा तक हैं कि नहीं हैं? आपके यहाँ जो नास्तिक भी है वो भी अपने आप को हिंदू कहेगा, चार्वाक जैसे लोग, जैन बौद्ध सभी तो हिंदू का ही एक हिंदू परंपरा विशाल परंपरा के ही ये सब अंग हैं, जबकि वो दार्शनिक दृष्टि से नास्तिक हैं।